डायबिटीज की बीमारी। दोस्तों आज हम इस टॉपिक में इस हवाले से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। पिछले दो वीडियोज में मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स थे उसमें एक हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक के हवाले से और उनकी अलामत क्या होती है इस हवाले से आपको डिटेल से बताया है। आज की इस वीडियो में हम डायबिटीज या ज़ियाबीटस की बीमारी के हवाले से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। डायबिटीज इज अ डिजीज, ज़ियाबीटस इज अ डिजीज, ये एक बीमारी है इन विच के जिसमें ए पर्सन एक शख्स जो होता है हेजा उनका होता है हाई ब्लड शुगर, उनका जो ब्लड होता है उनका हाई ब्लड शुगर होता है यानी खून में मतलब शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। बिकॉज क्योंकि हिज आर हर बॉडी, क्योंकि उनका जिस्म जो होता है डज नॉट प्रोड्यूस, वो नहीं पैदा करता इनफ इंसुलिन, ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इंसुलिना जो इंसुलिन होते हैं इज अ केमिकल, ये एक किस्म का केमिकल होता है जो हमारे जिस्म में होता है, दैट इज प्रोड्यूस, जो पैदा होता है इन आवर पिंक्रियास, हमारे पिंक्रियास में, ये हमारा पिंक्रियास है यहाँ पे पैदा होता है। इंसुलिन हेल्प्स, ये हमारी मदद करते हैं टू डिक्रीज के आपके बदन में कम कर सके ब्लड शुगर, खून में शुगर की मिकदार। विदाउट इंसुलिन, इंसुलिन के बगैर अ पर्सन डेवलप्स डायबिटीज, एक बंदे में डायबिटीज की बीमारी बढ़ जाती है। लॉस ऑफ वेट, वजन का कम होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना, एक्सेसिव थर्स्ट यानी ज्यादा जो आपकी प्यास होती है उसकी मिकदार ज्यादा मिकदार में, या कसरत एंड हंगर और भूख यानी बहुत ज्यादा भूख की मिकदार एटसेट्रा आर सम ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज, ये डायबिटीज या ज़ियाबीटस की बीमारी के अलामत है। If the patient, जो मरीज होता है does not control, अगर वो control नहीं कर सकता है the level of blood sugar का, he or she may be at risk of loss of eyesight, मुमकिन है कि उनकी आंखों की बिनाई चली जाए और वो जो उनकी आंखों की बिनाई है वो उनसे भी वो मतलब वो भी उनसे ख़त्म हो जाए एंड हियरिंग और सुनने की इस्तेताद भी उनसे ख़त्म हो सकती है। हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है और गम डिजीज यानी मसूड़ों की बीमारी, किडनी डिसऑर्डर या गुर्दों की बीमारी एट्सेट्रा वो भी इनको पैदा हो सकती है। तो दोस्तों ये इनकी अहम नुकसानात है। अगर आपने ये अलामत पाया जाए कि आपका वज़न कम होता है, आपकी बार बार या कसरत पेशाब या तस्ट जो आपको प्यास ज़्यादा लगती है और भूख वगैरह, ये इसकी बीमारियाँ डायबिटीज की अलामत है। तो ये इनके नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि ब्लड शुगर जो है ये इनका कंट्रोल अगर नहीं होता है तो उसके आई साइट और हियरिंग का के ख़त्म होने का खदशा हो सकता है, हार्ट अटैक का भी हो सकता है और मसूड़ों की बीमारी और किडनी डिसऑर्डर भी हो सकती है। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज और हर ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसन, अगर हम मेडिसन को बर वक्त इस्तेमाल करें, ईटिंग प्रॉपर डाइट यानी प्रॉपर मिकदार में अगर हम गजा इस्तेमाल कर सके, इन टेकिंग एक्सरसाइज और एक्सरसाइज हम करते रहे तो इसके बीमारी भी हम आसानी से कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे बदन में हैव अ बिग इम्पैक्ट, बड़ा असर होता है ऑन आवर ब्लड शुगर लेवल, हमारे ब्लड शुगर लेवल पे। एक्स्ट्रा फैट्स आर नॉट गुड, ज़्यादा मिकदार में चर्बी जो होता है इजाफी चर्बी ये अच्छी नहीं होती हमारे सेहत के लिए। वी नीड टू टेक दीज फूड्स केयरफुली, हमें चर्बी वाले खुराक को केयरफुली के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सम वेजिटेबल्स इन फ्रूट्स आर यूजफुल फॉर अ डायबिटिक पेशेंट, जो ज़ियाबीटस का मरीज होता है उनके लिए कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ज़्यादा अहम होते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने ज़ियाबीटस यानी डायबिटीज
के हवाले से आपको बताया कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारी है और इसके वजूहात क्या है, इनकी अलामत क्या है, और इनसे आप मतलब इस बीमारी को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हो जब आप प्रॉपर मिकदार में मेडिसन और अच्छी प्रॉपर डाइट इस्तेमाल करो और टेकिंग एक्सरसाइज और वेजिटेबल्स कुछ और फ्रूट्स जो इनके लिए अहम होती है वो इस्तेमाल करो तो आप इन पर आसानी के साथ कंट्रोल हासिल कर सकते हो। अगली वीडियो में हम आस्थमा यानी दमे की बीमारी की वजूहात और उनकी हवाले से हम डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।